ओप्पो राइनो 7 डिस्प्ले रिप्लेसमेंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आज हम फिंगर इन डिस्प्ले वाला जो है डिस्प्ले लगा के आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ओरिजिनल काफ़ी अच्छा वर्क करता है और आपका जो है किस तरह से फिंगर लगाएंगे ताकि आपका प्रॉपर वर्क करे, इस वीडियो कंप्लीट देखिएगा एंड तक। तो यहाँ पे हमने पहले यहाँ पे देख सकते हैं अभी डिस्प्ले लगा रखी, क्या है प्रोसेस, कैसे इसे करना है, काफ़ी बारीकी से करेंगे नहीं तो आपका जो है फिंगरप्रिंट वर्क नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमने इसमें जो है इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लगा दिया है और बहुत सारे अपने YouTube पे वीडियो देखे होंगे जिसमें वर्क नहीं करता, यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है और हम इसे खोल के भी आपको दिखाते हैं। और ओरिजिनल डिस्प्ले हमने बाहर रखी है और यहाँ पे देख सकते हैं हमारा खुल रहा है। तो कौन सा डिस्प्ले आप लोग को लेना सही रहेगा और किस ब्रांड का लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा। सो फ्रेंड, आपको जो मार्केट में कई सारे डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे तो मैं आपको जिस ब्रांड का सजेस्ट कर रहा हूँ यदि आप भी पहले लेने से पहले वहाँ पे चेक कर लेना। तो यहाँ पे हमने नाइस पास लिया है, नाइस का काफ़ी अच्छा होता है और बहुत सारे मीटू और अलग अलग ब्रांड के मिलते हैं, बहुत सारी कंपनियाँ लोग अपने भी नाम के ब्रांड से प्रिंट करा लेते हैं। तो ये डिस्प्ले आप लोग को अच्छी तरीके से देख लेना है, ओरिजिनल काफ़ी जो है बारीक रहता है और काफ़ी अच्छा फिंगरप्रिंट काम करता है और नाइस का भी काफ़ी कम रेंज में कितने का मिल जाएगा मैं आपको इस वीडियो में पूरा बता रहा हूँ, तो एंड तक बने रहो। चलो मैं आपको इस डिस्प्ले को देख सकते हैं, पूरा सेम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, पूरा अच्छे से फिटिंग भी हो जाएगा। कॉस्ट थोड़ा सा नॉर्मली हाई है लेकिन आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वर्क करेगा और बहुत सारी कंपनियों का आप लेंगे तो 10 बार में से 6 ही बार वर्क करेगा लेकिन अच्छा नहीं। तो यहाँ पे हमने डिस्प्ले लगाने के लिए इसके नीचे एक गार्डर था जहाँ पे डिस्प्ले का पत्ता आ रहा है, फ्लैक्स आ रहा है, तो ये गार्डर जो देख सकते हैं रबड़, इसके लिए हमने इसका जो है चार्जिंग पैनल और बोर्ड को पीछे जो है खोलना पड़ा और जो है फिंगर सेंसर भी है, अच्छे से इसमें थोड़ा सावधानी रखेंगे। देखिए मैं वीडियो भी कर रहा हूँ, थोड़ा सावधानी भी रख रहा हूँ ताकि आप लोग को मैं समझा पाऊँ, दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे सबसे आपको जो है इसकी साइड को क्लीन कर लेना है, जो पुराने गम लगे हैं उसे आप अच्छी तरीके से रिमूव कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे रिमूव होने के बाद आपको सेंसर का जो पत्ता भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से उस बोर्ड में नीचे के साइड लगा रहता है और एक छोटे ब्लैक रेड वाले जो गार्डर के लिए मैंने बोर्ड को खोला नहीं तो उसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वो निकल जाता है, फिर उसे अच्छे तरीके से लगाना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे गम लगा देना है साइड साइड से और वो गार्डर लगाएंगे नहीं तो ये सब चीज़ तो है उसके अंदर लेकिन जो चीज़ छूट जाएगा तो कुछ ना कुछ मतलब के लिए उसमें दिया है। यहाँ पे स्टिकर लगा है, पहले इसे अच्छे तरीके से स्टिकर को रिमूव कर लेंगे, इसमें भी गम रहता है और ये ताकि अच्छे से सेंसर वगैरह वर्क करे और गार्ड अच्छा रहे। देख सकते हैं OLED डिस्प्ले है और काफ़ी कॉस्टली डिस्प्ले है, मैं आपको बता रहा हूँ इसकी प्राइस कितनी है, तो बने रहो वीडियो में। तो लास्ट में आपको मैं प्राइस रिवील कर दूंगा। अच्छा डिस्प्ले है, वर्क कर रहा है और वन प्लस ये सब सारे फ़ोनों का मैं इसी ब्रांड का लेता हूँ। यहाँ पे देखिए इसी गार्डर के लिए मैंने चार्जिंग बोर्ड को खोला, ईयरफोन जैक जिसमें रहता है पूरा और उसी में सेंसर पिन भी लगता है, सेंसर का पत्ता भी उसी में लगता है और बहुत बारीक काम है, नहीं करिएगा ढंग से तो आपका फ़ोन का जो है पत्ता उसका टूट सकता है। तो एक छोटे गार्डर के लिए मुझे खोलना पड़ा, बहुत लोग नहीं भी खोलते हैं तो निकल जाता है उसे छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने सारे प्रॉपर चीज़ें अच्छे से वर्क करके अच्छे से लगा दी हैं और ये बैठ नहीं रहा था, एक जगह क्लिप टूटी थी। तो आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट का यही सेंसर है और यही पत्ता है, इसे अच्छे से बोर्ड में क्लिपिंग करना होगा। तो यहाँ पर हम इसे बैठा रहे हैं, अभी बैठ नहीं रहा, उठा उठा सा रह रहा है, तो यहाँ पर हम इसे क्लिप कर देंगे, अच्छे तरीके से क्लिपिंग हो जाएगी और यहाँ पे हमें क्लिप कर दे रहा है, क्लिपिंग यहाँ पे अच्छे तरीके से कर दिए हैं और यहाँ पे ये हो गया, अच्छे तरीके से मैंने बैठा दिया और ये बैठ गया। और यहाँ पे देखिए पंच कर दिया इसे, अच्छे तरीके से पंच हो जाने के बाद ये क्लिप कर देंगे और ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। और यहाँ पे इसे बैठने के बाद जो है आप लगा देंगे और यहाँ पर हमारा बैठ गया है और इसे क्लिप को भी बैठा देंगे, देखिए यहाँ पे दबा दिए और ये हो गया हमारा ओप्पो चालू। और इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फिंगरप्रिंट देखिए अब पकड़ लेगा, अच्छे तरीके से नहीं लगाया तो वो जो है फिंगरप्रिंट नहीं था थंब वाला और ये हमारा फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है। चलिए हम दोबारा भी खोल कर पीछे बैक साइड को स्क्रू जितने निकाले थे सब लगा देंगे, इसके बैक पैनल पर भी गम लगा के अच्छी तरीके से पेस्ट कर देंगे और हमारा ये हो जाएगा और इसमें डिस्प्ले में
एक ओजी ग्लास लगा देंगे और देख सकते हैं अभी भी हमारा काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। देखिए रबर गार्डर लगा हुआ है तभी भी हमारा फ़ोन खुल रहा है, वर्क कर रहा है। ओप्पो रेनो 7 डिस्प्ले, इसकी प्राइस 2700 3000 के रेंज में आपको मार्केट में मिल जाएगी।